माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद शकील पठान। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ये जो सीरीज़ है इसके अंदर एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग एसएससी जेई 2013, 14 और 15 के पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम लोग 2016 सिविल इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2017 में 2 मार्च को हुआ था आफ्टरनून सेशन में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज के कैसे एसएससी जेई का पेपर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बेटा, इससे ही आपको पता चलेगा कि एसएससी जेई में आपके सिलेबस के कौन से ऐसे पोर्शन है जिस पे ज़्यादा फोकस रहता है। इसलिए हम इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलते फिरते एक बार अगर आप इस सीरीज़ को देख लेंगे तो आपको बहुत ही आप ज़्यादा मदद मिलने वाली है इन द प्रिपरेशन ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। सो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, द अल्कोहल इज यूज्ड एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो जो बच्चे मैनोमेट्रिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। कोई भी फ्लूइड एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड 3 प्रॉपर्टी के रिलेटेड चूज किया जाता है। पहला, उसके अंदर वेपर प्रेशर काफ़ी लो होना चाहिए। फर्स्ट, लो वेपर प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इफ़ द फ्लूइड इज चूजेज एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, लो वेपर प्रेशर। दूसरा होता है लो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन शुड बी लो। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है लो विस्कोसिटी। अब बात करते हैं लो वेपर प्रेशर हम क्यों चूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। वेपर प्रेशर क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि कोई भी लिक्विड कम्प्लीटली लिक्विड अवस्था में नहीं रहता, उसके ऊपर उसकी कुछ वेपर मात्रा में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वेपर फोर्स में मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं और वो इस फ्री सरफेस पर कुछ प्रेशर लगाते हैं, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो जो लिक्विड जितने वोलेटाइल होते हैं या जल्दी भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं उनका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, और जो लिक्विड जितना कम भाप में कन्वर्ट होते हैं, जैसे ऑयल बात करें और एक तरफ पेट्रोल की बात करें, तो आपने देखा होगा पेट्रोल जैसे ही आप धूप में डालोगे तो उड़ जाएगा, इसलिए पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि पेट्रोल का लिक्विड जल्दी वेपर कंडीशन में आ जाता है, लेकिन ऑयल जो है इतना आसानी से वेपोराइज नहीं होता, तो ऑयल का वेपर प्रेशर कम होगा। तो जो लिक्विड डेंस होते हैं, जो लिक्विड हैवी होते हैं, जिनका वेपर इतने आसानी से नहीं बनता उनका वेपर प्रेशर लो होता है, और जो लिक्विड लाइट होते हैं जिनका वेपर आसानी से बनता है उनका वेपर प्रेशर हाई होता है। तो सपोज अगर आपने यहां पर मैं थर्मो, जैसे आपने जनरली देखा होगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड किसको यूज करते हैं, मरकुरी को यूज करते हैं। तो देखो जनरली हमने यहां पर मान लीजिए मरकुरी को यहां पर भर रखा है, ठीक है, मरकुरी को यहां पर भर रखा है। अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसका मतलब इसके वेपर पोर्शन में इसी लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। अब ये मरकुरी एक्सपेंड करता तो ये जो वेपर मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद है ये क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो कॉलम का राइज होना है उसको ये कम कर देते हैं यहां पर प्रेशर इंक्रीज करके। सिमिलरली क्या होता है, जो क्लोज मैनोमीटर्स होते हैं, अगर लिक्विड का मैनोमेट्रिक फ्लूइड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो जब आप गैस प्रेशर यूज़ करते हो तो रीडिंग में यहाँ पर एरर आने लगती है। गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए जब आप मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हो तो वहाँ पर रीडिंग में एरर आने लगती है, क्योंकि वेपर भी मॉलिक्यूल कुछ प्रेशर लगाते हैं जिसकी वजह से रीडिंग में एरर आने लगती है। इसलिए लो वेपर प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू चूज आ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इसलिए मरकुरी को भी हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड चूज़ करते हैं क्योंकि मरकुरी का वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू इट्स डेंसिटी। डेंसिटी हैवी है लेकिन विस्कोसिटी मरकुरी की काफी कम है, दैट्स व्हाई मरकुरी बिकम वेरी आइडियल फ्लूइड एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो सेम कंडीशन व्हाई वी आर यूजिंग अल्कोहल, एनी फ्लूइड वी आर यूजिंग एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड मींस इट हैज लो वेपर प्रेशर। तो आंसर इज इट हैज वेपर प्रेशर इज लो, बाकी कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्चू ऑफ व्हिच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू शेयर इज कॉल्ड। देखिए एडहेंशन कोहेंशन प्रॉपर्टी नहीं है, यस विस्कोसिटी एडहेंशन और कोहेंशन की वजह से आती है, बट एडहेंशन कोहेंशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी। यस सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी बट सरफेस टेंशन इज नॉट रजिस्ट अ शेयर स्ट्रेस, इट्स समथिंग एल्स। इसलिए आंसर यहां पर क्या आएगा, डी आएगा। तो विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्चू इट रजिस्ट द शेयर स्ट्रेस और रजिस्ट द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, ये पैटर्न क्वेश्चन है बेटा, हर साल एग्जाम में रिपीटेड मैनर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी, के बाद भी बच्चे गलत करते हैं। यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी याद कर लीजिए, रट लीजिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, आंसर ए हो जाएगा। ये विस्कोसिटी की यूनिट है, काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ये हाइड्रोस्टेटिक का कांसेप्ट है और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करने वाले हैं। कई बच्चों को यही लगता है हमको क्वेश्चन आते हैं लेकिन बेसिकली उनको नहीं आते प्रॉपरली, क्वेश्चन वो पढ़ते नहीं हैं। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे
मात खाने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वर्टिकल स्लुइस गेट 2 × 1 मीटर विद इट्स टॉप 2 मीटर सरफेस बींग 0.5 मीटर बिलो द वाटर लेवल विल बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप फ्री सरफेस बनाइए। अगर आपको ये वाला हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कंप्लीट नहीं है तो हमारे जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसीलिए मैंने चलाई है, जिनका कंसेप्चुअली वीक है किसी भी पोर्शन में, तो उस लेक्चर सीरीज में जाके आप कंप्लीट कीजिए। वहाँ पर मैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्स को बहुत ही प्यारे तरीके से कंप्लीट करने वाला हूँ। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में एक स्लुइस गेट दे रखा है जो कि वर्टिकल है, और उस वर्टिकल गेट का जो एरिया दे रखा है आपको साफ है, वो दे रखा है आपको 1 मीटर × 2 मीटर। अब मुझे ये 2 मीटर कैसे पता चला? ये वाली हाइट है, बाकी एरिया तो 2 × 1 था, क्योंकि इसके अंदर साफ दे रखा है विद इट्स टॉप 2 मीटर। टॉप ये वाला है ना, टॉप 2 मीटर वाली एज का है टॉप। द सरफेस बींग 0.5 मीटर बिलो, इसका मतलब ये टॉप है और इसकी जो सरफेस है 0.5 मीटर नीचे है। ओके तो ये यहाँ पर कहानी यहाँ पर बन रही है आपकी। अब इस क्वेश्चन में 9.81 जैसे, इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको देखनी होगी कि सब 0-0 में वैल्यू, इसका मतलब जी की वैल्यू यहाँ पर 10 मानी होगी। अब सब लोग जानते हैं कि सर द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके बराबर होगा? डब्ल्यू ए एक्स बार, ये सेंटर ऑफ प्रेशर लगेगा। और एक्स बार क्या होता है? एक्स बार इज अ डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम फ्री सरफेस। एक्स बार इज अ डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम फ्री सरफेस। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? रो इंटू जी डेंसिटी, और जी को स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट कहते हैं। वाटर की डेंसिटी को हमने यहाँ पर 1000 लिया, जी को मैंने 10 लिया, एरिया को मैंने 2 × 1 लिया, और एक्स बार कितना होगा? एक्स बार होता है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होगा इस प्लेट का? 1 मीटर फ्रॉम फ्री सरफेस, तो कितना हो जाएगा? 1.5। तो आंसर यहाँ पर आई थिंक कितना आना चाहिए? 1000 × 10 × 1.5 कितना हो गया? 30,000। ये आंसर आना चाहिए आपका किलोग्राम, दैट शुड बी द आंसर टू यू। ओके, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा एक ट्रिक खेला हुआ है कि इस क्वेश्चन में पूछा है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर देखिए यहाँ पर, प्रेशर ये किसका फॉर्मूला है? ये टोटल फोर्स का फॉर्मूला है। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो टोटल प्रेशर की मतलब यहां पर प्रेशर कितना होगा? 0, और यहां पर प्रेशर कितना होगा? रो जी, यहां पर सॉरी, यहां 0 नहीं होगा, रो जी एक्स वन होगा यहां पर, यहां कितना होगा? रो जी एक्स टू। तो टोटल प्रेशर अगर इनका समेशन किया जाए तो टोटल प्रेशर की जो वैल्यू बनेगी वो यहां पर बनेगी रो जी एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, दैट विल बी द टोटल प्रेशर ऑल्सो। अब यहाँ पर एरिया वाला टर्म हट जाएगा, तो डेंसिटी यहाँ पर कितनी दे रखी है? 1000, जी कितना दे रखा है? 10। ओके, और ये x1 प्लस x2 बाई 2 क्या होता है? x बार, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? 1 प्लस 1.5, तो दैट इज द डिस्टेंस 1.5। ओके, सो इट विल बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, इट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ से रो जी अपॉन एक्स बार, दैट विल बी द फॉर्मूला। तो एक्स बार क्या हो गया? 1, यहाँ पर ये इसकी सेंट्रोइड की डिस्टेंस होगी और ये 0.5 है, तो 1.5 हो गया। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए आई थिंक कितना होना चाहिए? 15,000, लेकिन यह 15 किलोग्राम दे रखा है, क्योंकि इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, ये पास्कल में यूनिट दे रखी है। अब न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ? न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ फोर्स मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 × 10 × 1.5 मास इनटू एक्सेलेरेशन, इसका मतलब ये हो जाएगा किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, अगर इस यूनिट को मुझे किलोग्राम में बदलना है तो इसमें एक्सलेशन को मुझे अपोन करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्सलेशन को यहाँ पर अपोन करूँगा तो ये 10 वाला पोर्शन भी हट जाएगा और ये केवल आंसर बचेगा 1500। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है द प्रेशर, द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वर्टिकल स्लुइस गेट, वो आएगा 1500 किलोग्राम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, जी एम इज नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट। तो जी क्या होगा यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एम क्या होगा मेटासेंटर। सो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंटर इज नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट। उसके बाद आता है डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड लिक्विड ड्रॉप इज, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है 4σ/d, तो उसको अगर रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 2σ/d हो जाएगा। सिग्मा मतलब टेंशन को, यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर डी आएगा। और लिक्विड बबल के लिए क्या होगा 8σ/d होगा, तो वहाँ पर 4t/r हो जाएगा। तो यह आंसर अभी लिक्विड ड्रॉप के लिए पूछा हुआ है तो 2t/r। उसके बाद आता था प्रॉपर्टी बाय विच ए लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर इज कॉल्ड। सब लोग जानते हैं द रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज विस्कोसिटी। बाकी सारी बकवास यूनिट यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 बैरोमीटर्स। बैरोमीटर 1 bar 1 bar से आपको पता होगा कि प्रेशर की यूनिट होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी 1 bar कहते हैं। तो बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने अपने लेक्चर्स में इसको बहुत ब्यूटीफुली समझा रखा है, कब आया, कैसे आया, टॉर्सिलियंस को कैसे जनरेट किया। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ जाके इसको क्वेश्चन नंबर नाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड इंक्रीज। सो देखिए क्या होता है कि शुरू में प्रेशर का जो है इंक्रीमेंट है वो बहुत स्लोली होता है और उसके बाद बहुत ही स्टीपली होता है। उसका रीज़न ये होता है जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो जब कभी अगर आप एरोप्लेन वगैरह में जाए तो देखा होगा आपने कि -30 degrees सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो अर्थ पे आपका 25-30 degrees एवरेज तक टेम्परेचर रहता है, लेकिन जैसे बहुत हाई हाइट पे जाता हो तो टेम्परेचर का वेरिएशन भी बहुत तेज़ी से चेंजेस होता है। इसकी वजह से प्रेशर वहाँ पर बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर पूछा था एटमोस्फेयर प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड इंक्रीज। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है पहले तो ये ग्रेजुअली चेंज होगा, प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और फिर ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाते बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर चेंजेस, वेरी फास्ट टेम्परेचर चेंजेस, ये जो चेंजेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर आएगा फर्स्ट स्लोली एंड दैट स्टीप, आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 द फ्लो मीटर बेस्ड ऑन ऑब्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल लाइक ऑरिफिस प्लेट कैन बी यूज विद रेनॉल्ड नंबर अप टू अप्रोक्सीमेट। देखिए जो भी डिवाइसेस ऑब्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं वो जनरली लेमिनार फ्लो तक अच्छी तरह से वर्क करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में जब वर्क करते हैं तो एरर बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। और आपको पता होगा कि पाइप के अंदर रेनॉल्ड नंबर केवल 2000 रेनॉल्ड नंबर तक ही होता है, सॉरी लेमिनार फ्लो केवल 2000 रेनॉल्ड नंबर तक ही होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा 2000। इस आंसर इज सेम। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमने SSCJEE 2016 का पेपर सॉल्व किया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालिसिस दे आपके पेपर में किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कई बच्चे सिविल में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ओपन चैनल ओपन चैनल, आप देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में पूछे जाते हैं और ओपन चैनल के जो क्वेश्चन है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होते कि आप उनको कर ही नहीं पाएँ। ओके तो जिस सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको बताया था कि इसका मैं रिवीजन बनाऊंगा एक बहुत प्रॉपर तरीके से और आपको बताऊंगा कौन कौन से सेक्शन पे आपको फोकस करना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज। ओके तो जिन लोगों ने प्रीवियस हमारे सॉल्यूशन नहीं देखे वो देख सकते हैं और जिन लोगों ने अभी तक भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।